हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या अभी जस्ट आपने किसी कंपनी में अकाउंट जॉब की शुरुआत करी है और वहां पर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन को लेके। तो दोस्तों, जब भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज इनवॉइस की एंट्री करते हैं या फिर सेल इनवॉइस की एंट्री करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है, विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट को भी, टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक नहीं आती है। सब कुछ हम एंट्री सही तरीके से पोस्ट कर देते हैं, लेजर हम सही तरीके से क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो प्रॉपर सही तरीके से ऑटोमेटिक नहीं आती है। अगर टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होगी तो वो प्रॉपर हमारा इनवॉइस सही तरीके से पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, टैक्स की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन न होने के पीछे कोई एक या दो रीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे पांच ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जो एक फ्रेशर अकाउंटेंट टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री करते वक्त, लेजर क्रिएट करते वक्त या फिर कंपनी क्रिएट करते वक्त कर देते हैं। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी पांच मिस्टेक है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करेंगे। तो अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके काफी इन फ्यूचर भी काम की रहने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, और वीडियो आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी तो लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस टेली सॉफ्टवेयर में एक सेल वाउचर की एंट्री करके देखते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो जीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम वाउचर पे जाएंगे और उसके बाद हम बारी बारी से उन पांच मिस्टेक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपको बचना होगा। और ज्यादातर फ्रेशर जो अकाउंटेंट होते हैं या जो अभी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को जो स्टूडेंट सीख रहे होते हैं वो अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, तो आपको उन पांच गलतियों से हमेशा बच के रहना है। तो सेल वाउचर की एंट्री के लिए वाउचर पे हम जाते हैं, एफएटम सेल वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, देन हम पार्टी या फिर कैश के लेजर को हम पे सिलेक्ट करते हैं। और एक बार हम कोई भी एक डमी एंट्री हम कैलकुलेट करके देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए हमने एक कीबोर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको हमने सेल किया है और 100 रुपीज़ इसकी अमाउंट है, यानी कि ये बेसिक अमाउंट है। और उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर सीजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन और एसजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हो अभी इसने कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से कर दिए, क्योंकि ये 18% वाला प्रोडक्ट है तो 100 रुपये के ऊपर इसने 18% का टैक्स है जो लगा दिया है। लेकिन अब टैक्स अगर यहाँ पर आपके पास शो नहीं होता है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, शुरुआत से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली गलती, ज़्यादातर फ्रेशर स्टूडेंट क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते वक्त ही गलती कर देते हैं। अब कंपनी क्रिएट करते वक्त क्या गलती होती है, कंपनी पे हम जाएंगे और एक बार हम क्रिएट पे जाएंगे। दोस्तों क्या होता है, अब कई बार अगर मान लीजिए आप किसी पीसी पे या किसी लैपटॉप पे आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, किसी कारणवश क्या होता है भी हमारे जो सिस्टम का जो डेट है वो सही नहीं होता है, यानी कि वो डेट है जो कई बार बैक ईयर में चल जाता है, 2009 में, 2010 में, 2011 में, 12 में, यानी कि इसकी जो COMS जो बैटरी है वो खराब होने के कारण। तो प्रॉपर यानी कि जो हमारा प्रेजेंट करंट टाइम जो हमारे पास होता है वो सिस्टम में अपडेट नहीं रहता है। तो जब भी हम कई बार ध्यान नहीं देता फ्रेशर अकाउंटेंट, क्योंकि उसको ये बातें इतनी सारी पता नहीं होती है, तो स्टार्ट में क्या करता है वो जो सिस्टम की जो प्रेजेंट टाइम की जो डेट, उसका मंथ ईयर और उसका जो प्रेजेंट टाइम का टाइम है वो प्रॉपर आपका सिस्टम का सही है या नहीं है। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका सिस्टम 2009 में है तो कई बार कंपनी की क्रिएट करते वक्त क्या करेगा, कंपनी का नाम लिखेगा और जल्दबाजी में यहां पर आने के बाद क्या करेगा, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये अभी प्रेजेंट टाइम में 1 अप्रैल 2021 आ रहा है, लेकिन अभी अगर आपका सिस्टम 2009 में चल रहा है तो यहां पे 1 अप्रैल 2009 करेगा और वो जल्दबाजी के अंदर फटाफट 1 अप्रैल 2009 करते हुए इसको कंपनी को एक्सेप्ट करवा देगा। अगर आपका, क्योंकि सबको पता है भी जो जीएसटी एप्लीकेबल हुई थी वो जुलाई 2017 से हुई थी, लेकिन अगर उससे पहले की अगर हम डेट यहां पर डाल देंगे जुलाई 17 से पहले की, तो जीएसटी कैलकुलेट सिस्टम जो टेली सॉफ्टवेयर है वो नहीं करेगा। तो सबसे पहली गलती आपको ये ध्यान में रखनी है भी जब भी आप कंपनी क्रिएट करो और ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसको आपको विशेष का ध्यान रखना है, ये आपका जो यहाँ पे जो मंथ आ रहा है, डेट आ रही है और जो ईयर आ रहा है वो आपका प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर की आप अकाउंटिंग
मेंटेन कर रहे हो। मान लीजिए अभी आपको 2001 अप्रैल 2021 से करनी है, लेकिन सिस्टम का डेट 2008, 2007 या 2005 में चला गया है, जो कि हमारा यहां पर हमें शो करता है। तो ये अगर आपका बैक डेट में जाएगा तो आपके उसी अकॉर्डिंग ये टेली सॉफ्टवेयर कंपनी क्रिएट करता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, इसकी वजह से आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन है जो नहीं होगी। सेकंड रीजन, जब भी हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं देन आपको F11 में जाके हमारा जो टैक्सेशन की डिटेल होती है इसमें जीएसटी को आपको एप्लीकेबल करना होता है। और जब भी हम एप्लीकेबल करेंगे देन आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये जो रजिस्ट्रेशन टाइप है ये हमारा एक तो रहना चाहिए ऑप्शन इसमें रेगुलर का, क्योंकि अगर हम कंपोजिशन करेंगे तो कंपोजिशन को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होती, रेगुलर डीलर को होती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेगुलर का ऑप्शन आपका सेलेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद में ये जो आपने जीएसटी एप्लीकेबल जो फॉर्म किया हुआ है ये जुलाई 2017 के बाद का होना चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा चाहिए, आप 22-23 कर रहे हो, 21-22 का कर रहे हो, 20-21 का कर रहे हो, लेकिन ये जो जीएसटी की एप्लीकेबल फॉर्म है ये जुलाई 2017 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेकंड मिस्टेक, आपको इससे बचना होगा। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास आएगा भी, जब हम जीएसटी के लेजर क्रिएट करते हैं तो, और लेजर क्रिएट करते वक्त जो मिस्टेक हम कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया हुआ सी जीएसटी का, तो हम क्या करते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट है यहाँ पे जीएसटी का लेजर प्रॉपर सही तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं, उसका ग्रुप है जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो भी बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो टाइप ऑफ जो ड्यूटी एंड टैक्सेस है इसको यहाँ से वो छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे अदर में डाल के छोड़ देते हैं। अब अदर में डालोगे तो जीएसटी की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको अपने टैक्स के अकॉर्डिंग, जीएसटी का टैक्स है यानी कि ये जीएसटी से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे देन टैक्स टाइप को भी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सीजीएसटी टैक्स का लेजर बना रहे हो, तो यानी कि एक तरीके का सेंटर का टैक्स हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेंटर टैक्स यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एसजीएसटी टैक्स का लेजर क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या इसके अलावा आप आईजीएसटी टैक्स का लेजर क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है टैक्स के लेजर क्रिएट करते वक्त। तो तीसरी मिस्टेक, आपको यहाँ से बचना होगा। प्रॉपर सीजीएसटी टैक्स लेजर हम क्रिएट करें, ग्रुप उसका हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करें, देन टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपके टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ से टैक्स टाइप को सिलेक्ट करना है। तो यानी कि सीजीएसटी के लिए सेंटर टैक्स, एसजीएसटी टैक्स के लिए आपको स्टेट टैक्स, और आईजीएसटी टैक्स के लिए आपको इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करना होगा। नंबर तीन, अब उसके बाद में जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, यानी कि इन्वेंट्री हम क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखी है और इसी प्रोडक्ट का हमने अभी एक इनवॉइस बनाया था, स्टॉक आइटम का नाम आपने यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद में अंडर इसका जो स्टॉक ग्रुप है वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा, और जीएसटी टैक्स की इंपॉर्टेंट के लिए आपको यहाँ पर इसको जीएसटी को ऑप्शन को एप्लीकेबल रखना होगा, और उसके बाद में इसकी जो जीएसटी टैक्स की डिटेल है इसको हम यस करेंगे, और यस करने के बाद में इस स्टॉक आइटम की डिस्क्रिप्शन, इसका एचएसएन कोड, और उसके बाद में अगर आपका प्रोडक्ट ये टैक्सेबल है तो इस ऑप्शन के अंदर आपको इसमें से टैक्सेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में इस स्टॉक आइटम के ऊपर कितने परसेंट का जो जीएसटी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, जो आपने स्टॉक आइटम के ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल करी है उसी के अकॉर्डिंग ही टैक्स की कैलकुलेट करता है। अब मान लीजिए जैसा कि हमारे पास ये 18% का ये प्रोडक्ट है, तो हमने आईजीएसटी के अंदर यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर इसका रेट है जो 18% दिया है, तो उसके बाद में इसका सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स है ये ऑटोमेटिक 9% हो जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना, स्टॉक आइटम के ऊपर आपको जीएसटी का जो रेट है वो जरूर देना होगा, और इसी गलती से भी आपको यहाँ से बचना होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना, अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो इन सभी पॉइंट के ऊपर आप एक बार जरूर नजरें लगाना, कहीं ना कहीं इन चार पॉइंट में हम जो कर रहे हैं इनमें से कहीं ना कहीं मिस्टेक आपसे जरूर होगी। अगर ये सारी गलतियां अगर प्रॉपर आपने नहीं करी है तो आपका 100% जीएसटी का कैलकुलेशन होगा ही होगा, चाहे वो परचेज वाउचर है चाहे वो सेल वाउचर है। देन उसके बाद में सबसे लास्ट का जो पॉइंट हमारा वो है, जब हम सेल का लेजर हम क्रिएट करते हैं, सेल का लेजर का मतलब जैसा कि अभी हम एक सेल
कि एंट्री हम पास करते हैं, और उसके बाद में जैसा कि हमने यहाँ पे इसका रेट वगैरह डाला, और अब ये जो हम सेल का लेज़र हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर जीएसटी 18% सेल का, इसको हम एक बार मॉडिफाई करते हैं। लेज़र हमने सही क्रिएट कर लिया, नाम आपने जीएसटी 18% से लिया, आप कोई भी दे सकते हो 18% जीएसटी सेल, वो कोई मैटर नहीं है। ग्रुप आपने सेल में रख लिया, और उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल आपको यहाँ पर भी करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस पे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल, और उसके बाद में इसकी जो जीएसटी डिटेल है इसको आपको यस करना होगा, और उसको यस करने के बाद में आपको, अगर आप यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है इसमें अगर आपने सेल टैक्सेबल दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए अब यहाँ पर आपने नहीं दे रखा है, यहाँ पर सेल टैक्सेबल या आपने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक आप पहुँचे नहीं है, तो उसके बाद अगर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोगे तो आपसे जीएसटी की डिटेल भी मांगेगा, आपने कौन से कितने परसेंट वाला लेजर क्रिएट किया है। तो जीएसटी 18% वाला, तो उस दौरान हमने आईजीएसटी सब कुछ रेट हमने 18, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% दे दिए है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एक बार आपने इस तरीके से कर दिया, कुछ भी नहीं हटाया मैंने, जैसे कि आपके सामने ये बिल्कुल जीरो कर दिया, तो अगर आप ये जीरो कर देते हो उसको, और उसके बाद में आपको करना क्या होगा, तो F12 हम प्रेस करेंगे यहाँ पे आने के बाद में, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सेल वाउचर या परचेज वाउचर पे रहते हुए F12 प्रेस करना है, और उसके बाद में ये जीएसटी टैक्स की डिटेल आएगी, और उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ जीएसटी, अगर आपके पास ये ऑप्शन नो आ रहा है तो इसको यस करना है, इसको यस करना कंपलसरी है। अब इसको यस करने का फायदा क्या मिलेगा, यस करेंगे और लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद ये जो टैक्स क्लासिफिकेशन की डिटेल अब हमारे से यहाँ पर पूछ लेगा वो भी आपकी ये जो सेल है किस टाइप की सेल है। तो यहाँ से हम जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेल टैक्सेबल को, तो अब हम वो सेल टैक्सेबल अगर हमने वहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पर सेल टैक्सेबल देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम तब देते हैं अगर हमने 18% का एक कॉमन लेजर बनाया हुआ है, उसी लेजर में हम आउट ऑफ स्टेट की जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी उसी लेजर में करते हैं, और जो हमारे लोकल की यानी कि विद इन स्टेट की जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो परचेज या चाहे सेल है, उसके लिए हम भी लोकल यूज़ करते हैं, तब हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टेट सेल किया है तो यहाँ से आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, लेकिन अब हमने ये लोकल में सेल की है तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे ओनली सेल टैक्सेबल। तो ये ऑप्शन आपको तब जरूरत पड़ती है अगर आपने सिंगल लेजर क्रिएट किया है दोनों ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि आउट ऑफ स्टेट और विद इन स्टेट के लिए, तो आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन बिल्कुल ओके होगी। अब जैसे हम इसकी कोई वैल्यू हम चेंज करते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 500 रुपये कर दी, 1000 हो गया, तो 1000 के अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अब मान लीजिए इन 5 में से मैं कोई एक मिस्टेक कर देता हूँ, मिस्टेक मान लीजिए मैं स्टॉक आइटम पे वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैंने गलती से, मतलब इसकी मैंने कुछ भी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर मैंने नहीं, मैं भूल गया, सारे लेजर मैंने क्रिएट कर लिए मैं भूल गया, लेकिन जब भी हम इसके सीजीएसटी का लेजर हम क्रिएट करें इंटर मारेंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं आएगी। आपने 5 मिस्टेक में से 4 ओके कर दी लेकिन एक में गलती कर दी किसी भी एक में, तो आपके वो 4 जो ऑप्शन आपने सही कर रखे हैं वो कोई काम के नहीं आएंगे, यानी कि आपको पूरे 5 रीजन जो आपको मैंने अभी बताए हैं इसी वीडियो में वो आपको सही तरीके से मेंटेन करने होंगे, तभी आपकी प्रॉपर टैक्स की कैलकुलेशन सही जाएगी। अगर हम इसी स्टॉक आइटम के ऊपर वापस जीएसटी को हम एप्लीकेबल कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन एक बार हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पर हम इसको करेंगे 18%, इंटरप्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हो अब ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है अब ये हमारे पास ऑटोमेटिक आ गई है। अब दूसरा रीज़न आपके पास हम ये गलती यहाँ पर करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये जो लेज़र है हमारे पास सेल का, अब इस सेल लेज़र को मैंने यहाँ पर सब कुछ हटा दिया था आपके सामने, वापस एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद में अब ये जो ऑप्शन आता है हमारे पास टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल का, इसको अभी हम एक बार हाइड कर देते हैं, मतलब ये गलती से हाइड हो जाता है मेरे से, यानी कि इस ऑप्शन को मैं कर देता हूँ यहाँ पर नो। अब इसको मैं नो करूँगा तो उसके बाद में अब इंटरव्यू से मैं प्रेस करेंगे, अब आप देख रहे हो ये जो लेजर अभी जो फिलहाल तो मैंने इसके ऊपर एप्लीकेबल किया तो आएगा, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि सेल टैक्सेबल मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी दिया हो तो ये टैक्स के ट्रांजेक्शन हमारे पास अभी करेगा, तो नहीं तो आपके सामने ये कैलकुलेशन है जो नहीं आएगी। तो आपके सामने एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपने F12 में प्रेस करके टैक्स डिटेल को यस
आपने किया, क्योंकि अभी आपको देखाऊंगा मैं, आपको वापस हम बैंक जाते हैं और उसके बाद अभी आप देख रहे हो ये सेल टैक्सेबल ऑलरेडी मेरे पहले से दिया हुआ था, तब ये टैक्स की कैलकुलेशन है जो सही आ रही है। अगर इसके बाद में मैं कोई भी इनवॉइस की एंट्री करूंगा तो ये मेरे पास है जो टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको इन पांच रीजन से यानी कि इन पांच मिस्टेक से आपको बचना होगा, और जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन नहीं होने का ये मेन पांच कारण ही होते हैं। तो नहीं होता है तो फटाफट से आप इन सभी पांच कारणों को एक बार जल्दी से फटाफट इनको रिव्यू कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिस्टेक मिलेगी। अगर आपकी पांचों जो आपने ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन किए हुए हैं तो आपका 101% टैक्स की कैलकुलेशन होगी ही होगी। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।